नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता तिवारी। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुवसामनी का कथानक बताऊंगी। ध्रुवसामनी की कथा वस्तु या हम कथानक की बात करते हैं तो ध्रुवसामनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ध्रुवसामनी नाटक नाट्य तत्वों की दृष्टि से प्रसाद जी की एक उत्कृष्ट रचना है। ध्रुवसामनी की कथा वस्तु का गठन विकास इस प्रकार हुआ है कि उस नाटक में कहीं ढीलापन प्रतीत होता है और कहीं अंत में ध्रुवसामनी को रामगुप्त से मोक्ष मिल जाता है, ध्रुवसामनी का विवाह होता है। इस संपूर्ण किंतु छोटे कथानक के लिए 3 घंटे का समय पर्याप्त प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको संक्षेप में पढ़ेंगे। संक्षिप्त कथा वस्तु प्रथम अंक की मुख्य घटना है कि सकराज के गिर जाने पर उसके संधि के प्रस्ताव पर ध्रुवसामनी को अंकसायिनी के रूप में भेंट किए जाने तथा स्त्री वेश में चंद्रगुप्त तथा ध्रुवसामनी के सकराज के शिविर में भेजने का वर्णन है। द्वितीय अंक में सकराज के शिविर में सकराज के प्रति कोमा के प्रेम और मिहिरदेव द्वारा सकराज के शर्त के विरुद्ध प्रदर्शन पर उन्हें राज्य से निष्कासित किए जाने का दृश्य है। इसी अंक में रामगुप्त द्वारा समय पाकर सकराज के वध का दृश्य है। तृतीय अंक में चंद्रगुप्त और ध्रुवसामनी के सफलता के उत्सव विजय के पश्चात गुप्त वंश की शासन व्यवस्था, चंद्रगुप्त की अधिकार प्राप्ति और ध्रुवसामनी के विवाह का चित्रण है। और प्रथम और द्वितीय अंक में राजनीतिक उलझनों की इस अंक में सुलझाया गया है। रामगुप्त का एक शक दुर्ग में प्रवेश होता है। आचार्य मिहिदर तथा सकराज की प्रेमिका कोमा का रामगुप्त के सैनिक वध कर देते हैं। इस बीच में पुरोहित ध्रुवसामनी को रामगुप्त को त्याग कर चंद्रगुप्त से विवाह की आज्ञा देते हैं तथा मंत्री परिषद रामगुप्त की गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त को सम्राट घोषित करती है। सुगठित कथानक कथा वस्तु को देखकर इसे 3 घंटों में समाप्त होने वाला एक सफल सुगम्भित नाटक कहा जा सकता है। प्रत्येक अंक का दृश्य है। अंक विभाजन में संकलन त्रिका पूर्ण निर्वहन हुआ है। प्रथम अंक में कथानक का स्थान शिविर का पिछला भाग है और इसमें ध्रुवसामनी चंद्रगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य की मर्यादा की रक्षा का प्रयास चलता है। दूसरे अंक में दुर्ग के भीतरी भाग का दृश्य है जिसमें चंद्रगुप्त द्वारा सकराज का वध होता है। और तीसरे अंक में शक दुर्ग के भीतरी कक्ष में कथानक घटित होता है। चंद्रगुप्त एक शक दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। उसकी विजय को देखकर राज्य परिषद उसे सम्राट घोषित करती है। ध्रुवसामनी की को रामगुप्त से विवाह मोक्ष मिलता है। चंद्रगुप्त का पाणिनि ग्रहण कर वह सच्ची महादेवी बनती है। अंक विभाजन नाट्यशास्त्रीय परंपरा के सर्वथा अनुकूल और रंगमंचिता की दृष्टि से उपयुक्त है। उलझनों का अभाव प्रसाद जी के अन्य नाटकों की तुलना में ध्रुवसामनी की कथा में ना तो उलझाव है और ना ही घटना बहुलता के कारण मुख्य और गौड़ कथा के निर्णय में अनिश्चय की स्थिति है। सीधे 3 अंकों में विभक्त नाटक में स्पष्ट और तौर पर मुख्य कथा है ध्रुवसामनी नाटक की नायिका ध्रुवसामनी का रामगुप्त से मोक्ष और रामगुप्त चंद्रगुप्त से पुनर्मिलन तथा गौड़ तथा सहायक कथा है और सकराज और कोमा का प्रेम, चंद्रगुप्त का त्याग, गुप्त वंश की विजय है। कथा वस्तु की रंगमंची अनुकूलता से प्रसाद जी के अन्य नाटक 5-5 अंकों में विभक्त हैं तथा उलझे हुए भी हैं और प्रतीत होते हैं, किंतु यह नाटक 3 अंकों में विभक्त होने के साथ साथ रंगमंच के संकेतों से भी परिपूर्ण है। अंक और दृश्य से अनुकूल मंच की साजसज्जा से पर्याप्त संकेत प्रसाद जी ने दिए हैं और इसी कारण यह नाटक रंगमंचीयता की दृष्टि से अधिक सफल है। प्रथम अंक का स्थान गुप्त के सेना का शिविर है और तीसरे अंक में घटनास्थल पर स्वर्गदुर्ग है और इस प्रकार से मात्र 2 पदों में प्रयोग से अति अल्प समय में दृश्य निर्माण हो सकता है। साजसज्जा और की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इसे अति अल्पधन में काम चलाया जा सकता है। नाट्यकला की पारंपरिक भारतीय और पश्चिमी दृष्टि पर कथानक की दृष्टि अगर हम डालते हैं, इसकी समीक्षा करने पर हम ये प्राप्त करते हैं कि प्रसाद जी के परस्पर निर्वहन के परम प्रेमी थे और किंतु इस नाटक में कथानक का विकास कुछ इस प्रकार हुआ है कि
जो पाश्चात्य नाट्य शैली में निष्कर्ष पर भी यहाँ खरा उतरता है। भारतीय नाट्यशास्त्र में कार्यव्यवस्था में प्रारंभ प्रयत्न का प्रथम अंक में, प्रत्याशा का द्वितीय अंक में तथा नेताप्ति का फलागम तृतीय अंक में सफल नियोजन हुआ है। पश्चिमी नाट्य शैली के अनुसार इस नाटक व प्रारंभ भी संघर्ष द्वंद्वपूर्ण की ही आधार भूमि पर होता है। द्वितीय अंक में कथानक का विकास होता है और संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर एक पक्ष की विजय की ओर चपड़ता है। अंततः विजय उसकी सुनिश्चित हो जाती है। विजय उसकी सुनिश्चित हो जाती है और द्वितीय अंक में कथानक का विकास होता है और परम सीमा में पहुंच करके नाटक एक पक्ष में विजय की ओर बढ़ता है और अंततः विजय सुनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार से पश्चिमी नाट्यकला के अनुसार कथानक में सभी पांचों अवस्था प्रारंभ विकास और चरम सीमा उतार और अंततः इस नाटक में सफल रूप में व्यक्त हो जाती है। और कथावस्तु की ऐतिहासिकता ध्रुव सामनी की कथा रामगुप्त के शासनकाल की है और किंतु नाटककार प्रसाद जी ने उस ऐतिहासिकता को भी स्वाभाविकता और सहज ग्राह्य बनने के लिए शिखर स्वामी और कोमा अंदाकनी तथा पुरोहितों की चरित्रों की कल्पना की है। अभिव्यंजना और कल्पनाओं का प्रयोग प्रसाद जी के नाटक की कथावस्तु को सरल बनाने के लिए उद्देश्य के शब्द में शक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यंजना का प्रायः प्रयोग किया गया है। किसी पात्र द्वारा पूर्व कथा का उल्लेख करवाकर उस घटना के वर्णन को वह स्वयं को भी एक ओर बचाते हैं, दूसरी ओर नाटक को गति प्रदान करते हैं। और जैसे चंद्रगुप्त द्वारा अपने त्याग और ध्रुव स्वामी के रामगुप्त से विवाह का संकेत इस प्रकार देता है कि यह नहीं हो सकता कि महादेवी जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान है। कथानक में संयोग और आकस्मिक घटनाएं हैं। नाटक में पाठक दर्शक के कौतूहल को बढ़ाने के में संयोग अवस्था में आकस्मिकता की में बड़ा हाथ है और बात बात में पात्र कोई भी ऐसी बात कह देता है जो आगे आने वाली घटना में संकेतात्मक का कार्य करती है। जैसे हिजड़ी द्वारा यह कहना, यदि वह कुमार को अपने हाथों से सजा दे तो उससे देख करके ध्रुव स्वामी को भी एक बार तो भ्रम हो ही जाएगा। चंद्रगुप्त को स्त्री वेश में धारण करके शकरा ने दुर्ग के ध्रुव स्वामी के साथ जाने का विचार यही था। इसी प्रकार से धूमकेतु के आने से जो दुनिश्चिता का आश्चर्य मिहिरदेव द्वारा व्यक्त करते हैं और वह बाद में सकराज, कोमा और मिहिरदेव तीनों से हत्या में सत्य सिद्ध होता है। संक्षेप में प्रसाद के इस नाटक में सकल अपशगुनों का भी विचार किया जाता है और आकर के इतिहास तत्व में ही पुनर्तन प्रकार से निष्कर्षता ध्रुव स्वामी की कथावस्तु में सुसंगठन सार्थक घटनाक्रम रंगमंच के अनुकूल द्वारा दृश्य में एक अंक का विधान घटना व्यापार में तीव्रता जिज्ञासा कौतूहल की क्षमता को नाटक का आरंभ जितना ही प्रारंभिक है अंत में उतना ही प्रभावशाली है। नाटक में ढंग से हल्ला